नमस्कार, मैं प्रॉपर्टी फॉर पटना से। आज मैं आपको साई क्रिएटिव का कंस्ट्रक्शन अपडेट बता रहा हूँ। पूरे 76 कट्ठे में ये बनकर तैयार हो रहा है। ये टावर ए और ये टावर सी है और आगे में टावर बी का भी काम स्टार्ट हो गया है। टावर ए का कंस्ट्रक्शन 8 फ्लोर तक चला गया है और टावर सी का कंस्ट्रक्शन 6ठे 7वें फ्लोर तक हो गया है। ये प्रोजेक्ट टोटल 76 कट्ठे में बन रहा है। इसमें एमिनिटीज़ में हम लोग स्विमिंग पूल, पार्क, जिम, कम्युनिटी हॉल, कार पार्किंग, इंडोर गेम, टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, स्केटिंग रिंग, किड्स प्ले एरिया और भी बहुत सारे जो भी मॉडर्न एमिनिटीज़ हैं हम लोग इस प्रोजेक्ट में हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसमें आप 2 BHK 3 BHK फ्लैट बुक कर सकते हैं। एरिया है इसमें 1 BHK फ्लैट भी मिल जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग का लगभग 8 से 10 हज़ार स्क्वायर फीट में पार्क है और इसमें टेम्पल भी है, तो योगा डेक भी रहेगा। इस पूरे प्रोजेक्ट में टोटल 4 टावर हो जाएंगे ABCD, जिसमें ए और सी का कंस्ट्रक्शन अपडेट 7 to 8 फ्लोर तक चला गया है। टावर बी का भी काम स्टार्ट हो गया है। अगर आपको पटना में लग्जरी फ्लैट ढूंढ रहे हैं जिसमें सारे एमिनिटीज़ के साथ आपको फ्लैट मिले और एक अच्छे लोकेशन में मिले, तो ये लिए बेस्ट प्रोजेक्ट होगा। इस प्रोजेक्ट में आप 2 BHK और 3 BHK फ्लैट बुक कर सकते हैं। 2 BHK का जो साइज है 1170 से लेकर 1404 स्क्वायर फीट तक है और 3 BHK का साइज इसमें 1610 से लेकर 2056 स्क्वायर फीट तक का है। अगर आप बुक करना चाहते हैं इस लग्जरी सोसाइटी में जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज़ के साथ आपको एक अच्छा सुविधा मिल रहा है, तो बुक करना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारा टावर ए है और ये हमारा पूरा कमर्शियल ब्लॉक है जो कि 6 फ्लोर का है। तक इसकी कमर्शियल की हाइट है और ये लगभग अप्रोक्स बनकर तैयार हो गया है। टावर ए जो है इसकी हाइट बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस में 11 फ्लोर तक रहेगा, जिसकी 8 फ्लोर तक की कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से हो रहा है। अगर आपको बुक करना है एक इस सोसाइटी में जहाँ की सारे मॉडर्न एमिनिटीज़ के साथ आपको सारे सुविधा मिल रही है, अगर आप बुक करना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है सगुना मोड़ से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस पर पड़ता है। ये जो रास्ता आ रहा है आनंद बाज़ार की तरफ से आ रहा है और ये रास्ता शिवाला की तरफ चला जा रहा है, शिवाला चौक की तरफ। तो इसी मेन रोड पे, जो कि भविष्य में ये 4 लेन भी हो सकता है, इसी मेन रोड पे हमारा ये प्रोजेक्ट है।